हेलो दोस्तों, आज वीडियो की शुरुआत मैं यहाँ से कर रही हूँ। सुबह सुबह चली गई थी मैं मंडी, और मंडी से लाई हूँ मैं ताज़े ताज़े टमाटर। और इनको करीब मैं लाई हूँ 2 किलो, तो इनको मैं स्टोर करूँगी। तो टमाटर को लंबे समय तक स्टोर कैसे करें, ये आप मेरी वीडियो देखकर ही पता चल जाएगा आपको। तो आप लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले आप जो टमाटर हैं उनको अच्छे से वॉश कर लीजिए। और मैंने देखो अच्छे से वॉश कर लिया है, और कितने सुंदर लग रहे हैं लाल टमाटर। तो सबसे पहले हम इन टमाटरों के जो सर होता है ऊपर से, इसको निकाल देंगे। अच्छे से ऐसे निकालना है, आप आराम से करिए काम कि इनका जूस ना निकले। तो आप ऐसे करके सारे टमाटरों को एक एक करके जहाँ से ये डंठल होता है इनके, इनको काट लेंगे। तो ये देखिए सारे टमाटरों को हमने काट लिया है ऊपर से, और अब हम इनको करेंगे सबसे पहले माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव के लिए आप ले लेंगे एक बाउल, और बाउल में रख देंगे इन सबको एक एक करके। और अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसको बॉयल भी कर सकते हैं। बॉयल करने के लिए ज़्यादा पानी मत डालिए, थोड़ा सा ही पानी में इनका काम हो जाएगा और इनके आराम से छिलके निकल जाएंगे। इनको रख दूंगी मैं माइक्रोवेव में 10 मिनट के लिए। तो टमाटरों को मैंने निकाल लिया है माइक्रोवेव से, और अभी काफ़ी गर्म हो रहे हैं इनको। इनको पहले ठंडा होने दीजिए, और इसके बाद ऐसे करके देखो ये सारे अपने आप छिलके आ जाएंगे। तो थोड़ी देर में निकालूंगी इनके छिलके, ये अभी गर्म है। तो ऐसे करके हम सारे छिलकों को निकाल देंगे, ठंडा होने पे ही निकाले, अभी काफ़ी गर्म है ये। तो देखिए दोस्तों, मैंने इनके छिलके निकाल दिए हैं क्योंकि हो गए थे ये ठंडे, और इनका जो जूस है वो भी बाउल में ही है। और ये वेस्ट नहीं होगा क्योंकि अब इसको हम कर देंगे ग्राइंड, और अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा अब इनका। तो जग में डाल दूंगी मैं इन सारे के सारे टमाटर। प्यूरी बन गई है, इसको मैं बंद कर दूंगी एयर टाइट। तो ये हमारा पैक हो गया, काफी अच्छी प्यूरी बनी है टमाटर की जी। तो आप इसको काफी टाइम तक स्टोर कर सकते हो। तो दोस्तों, सुबह मैं मंडी से लहसुन भी ले आई थी, और अभी ये लहसुन जो है वो कच्ची आ रही है। इस मतलब कि ये सूखी नहीं है, अभी सूखी लहसुन नहीं आ रही है, अभी कच्ची आ रही है। तो मैं इनको छील दिया है। और ये ज़्यादा दिन तक स्टोर कैसे रखेंगे इसके लिए भी मैं आपको ये बताती हूँ। तो चलिए पहले सबसे पहले इनके छिलके निकाल दीजिए सारी लहसुन, और डाल दूंगी इसमें हरी मिर्च, 4-5 हरी मिर्च डाल दूंगी साथ में। इसमें डाल दूंगी हल्का सा नमक, और 2 चम्मच डाल दूंगी रिफाइंड, और अब बंद करके चला देंगे हम मिक्सी। तो पिस गया हमारा लहसुन, और उसमें जो हरी मिर्च है वो भी, और अच्छा सा एक पेस्ट बन गया है इसमें, देखिए। और इसको डालेंगे हम एक कंटेनर में, आपके पास चाहे कांच का हो चाहे प्लास्टिक का हो, पर एयर टाइट होना चाहिए, अच्छे से बंद होना चाहिए, तो आप उसमें इसको स्टोर कर सकते हैं काफ़ी टाइम तक। तो ये हो गया हमारा, और ये काफ़ी टाइम तक चल जाएगा और ख़राब भी नहीं होगा। इसको कम रख देंगे फ्रिज में। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? और आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई वीडियो बनाने से। और बारिश हो रही है हल्की बुरबुरी सी, हल्की हल्की सी, काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। छत में जाऊंगी तो दिखाऊंगी आपको। और अभी चाय रखी है मैंने,
तब तक बॉईल भी हो जाएगी चाय। और टिन टिन सो रखा है, अब उसका लास्ट पेपर बचता है अभी। तो आज बढ़िया मौसम और हवा भी अच्छी चल रही है, और पीछे प्लांट मेरे ऐसे हो रखे हैं, छत में भी दिखाऊंगी। तो आ गई हूँ मैं छत पे और देखो बढ़िया हो रहे हैं। और ये मेरे पास ग्रोइंग बैग है ये वाले, तो इनमें मैं आज डालूंगी मिट्टी और कुछ सब्जियों के जो है बीज ला रखी हूँ मैं, वो लगाऊंगी मैं। तो ये मिट्टी ला रखी है मैंने, तो काम करूंगी अब फटाफट। और ये दो है घिया और कद्दू का, घिया और कद्दू है दो, दो के बीज लाई हूँ मैं, औरों के भी लाऊंगी बाद में। तो अभी जा रही हूँ मैं नीचे। और तो आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले, और उसके लिए मैंने कर दिया है, तो ये तो पिसा हुआ आपको मालूम होगा, ये लहसुन पिसा हुआ, टमाटर पिसा, तो इसे फटाफट से बन जाएगा। और ये प्याज मैंने पीसी ली है। तो सबसे पहले मैंने कुकर में डाल दिया है सरसों का तेल और इसको गर्म होने देंगे। और ये मैंने छोले एक दिन पहले रात को मैंने भिगा दिए थे, तो अच्छे से हो गए हैं ये। और मैंने डाल दिया है इसमें प्याज, तो इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच लहसुन। और लहसुन तो हमने पहले ही पेस्ट बना रखा है, जिसमें हमने हरी मिर्च भी डाली है। कोई परेशानी नहीं होगी छोले बनाने में, क्योंकि टाइम नहीं लगेगा, हमारा सब कुछ पिसा हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारी टमाटर की प्यूरी जो हमने बनाई थी। और अगर आप इन टमाटरों को पकाते नहीं हो और बिना पके हुए आप मिक्सी में पीस देते हो ना, तो उसमें प्यूरी अलग और पानी पानी सा अलग हो जाता है। और अगर हम टमाटरों को पहले पकाते हैं और उसके बाद प्यूरी बनाते हैं, उसके छिलके निकालते हैं, तो ऐसी अच्छी प्यूरी बनती है। देखो कितनी बढ़िया गाढ़ी बनी हुई है। तो हमें अब छोले बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा टमाटर भी पिसा हुआ है। तो मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मैं चीज़ों को पहले ही स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों का पता नहीं है वो कब क्या बोलते खाने के लिए, और ज़्यादातर वो राजमा छोले ही खाते हैं, तो इसलिए। छोले हमारे हो ही रखे हैं बॉयल, तो फटाफट बन जाएगा। तो मैंने डाल दिए हैं छोले, और देखो इनको चाहो तो आप खुल के भी बना सकते हो, मतलब खुले में बना सकते हो, चाहो तो एक सीटी लगवा दो। क्योंकि मैंने बनाने चावल के साथ या पूरी के साथ, तो मैं थोड़ा पानी डालूंगी इसमें, तो रोटी के साथ खा सकते हैं आप, ऐसे सूखे वाले कुलचे के साथ खा सकते हैं। तो फटाफट से तैयार हो गए हमारे छोले, और मैंने इसमें आलू भी डाला हुआ है, और साथ के साथ मैं बना दूंगी पूरी, क्योंकि बच्चों को पसंद है इसके साथ पूरी। तो एक तरफ मैं पूरी की तैयारी कर रही हूँ, तो सबको देती हूँ खाना और फिर मिलती हूँ आपसे। तो बन गया है मेरा खाना, और थोड़ी देर बैठी हूँ, मैंने सबको दे दिया, मैं थोड़ी देर में खाऊंगी। तो चलिए यहीं पे मैं आपको बाय बाय करती हूँ, और फिर अगली वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और अपना ख्याल रखिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बाय।